पश्चिमी राजस्थान में जो है जनता ने मिश्रित जनादेश दिया है। बात अगर कर ली जाए जिस तरह से बाड़मेर लोकसभा सीट की, तो जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल है जो 1 लाख से ज़्यादा मतों से जीतकर संसद में पहुंचे, तो वहीं रविंद्र सिंह भाटी ने भी कड़ी टक्कर दी थी। बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने हालांकि चुनाव से पहले ही लोगों की जनता से जो है बाड़मेर की जनता से आह्वान कर दिया था कि उनकी गलती की सज़ा प्रधानमंत्री मोदी को मत देना, लेकिन कह सकते हैं जनता जनार्दन है और यही कारण है कि बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी जो है तीसरे नंबर पर रहे। रविंद्र सिंह भाटी ने हालांकि युवाओं का साथ लेकर एक चुनावी कैंपेन जिस तरह से छेड़ा था और जिस तरह से देश और दुनिया की नज़र टिकी हुई थी रविंद्र सिंह भाटी को, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मेदवार बेनीवाल ने उन सबको धता बताते हुए 1 लाख से ज़्यादा जो वोटों मिलने हैं उससे जीत हासिल करके अब संसद में प्रतिनिधित्व करेंगे। बताया जाता है उम्मेदवार बेनीवाल है जो शिक्षा के मामले में अपने स्तर पर जिस तरह से बाड़मेर में विकास किया था उसी का कारण है कि ये परिणाम है उनके पक्ष में आए और अब कह सकते हैं कांग्रेस की सीट जो है पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर की मिली है। अगर बात कर ली जाए जालौर सिरोही की, तो जालौर सिरोही में बीजेपी ने जिस तरह से जमीनी स्तर के नेता लोम्बाराम चौधरी को उतारा था, और बताया जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के सामने लोम्बाराम थे एक साधारण कार्यकर्ता बीजेपी के, लेकिन इस सबके बावजूद लोम्बाराम चौधरी ने जिस तरह से प्रचार किया गया था यहाँ तक कि जमीनी स्तर पर होने के कारण से आम लोगों की पहली पसंद बनी, और यही कारण है कि लोम्बाराम है जो जीत कर जालौर सिरोही का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वैभव गहलोत के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ने हालांकि 15 सभाएं की थी, 5 रोड शो किए थे, करीब 12 दिन तक वहां रुके रहे जालौर में, लेकिन वहां अशोक गहलोत का जादू देखने को नहीं मिला। हालांकि अमेठी में अशोक गहलोत का जादू जरूर देखने को मिला, जिस तरह से स्मृति ईरानी को हराने के लिए अशोक गहलोत को अमेठी का प्रभारी बनाया गया था, वहाँ वो कह सकते हैं सफल रहे, लेकिन खुद के गृह राज्य यानी कि पश्चिमी राजस्थान और राजस्थान में जिस तरह से जो है जालौर सिरोही में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जादू देखने को नहीं मिला। बात कर लेते हैं पाली लोकसभा सीट की, जहां पीपी चौधरी तीसरी बार है जो सांसद बनकर जा रहे हैं। उसका कारण यह है कि पाली में जिस तरह से कांग्रेस ने नया चेहरा हालांकि उतारा था संगीता बेनीवाल का, लेकिन वो कोई ज़्यादा छाप नहीं छोड़ पाई और यही कारण है कि लोगों ने पीपी चौधरी पर भरोसा किया। हालांकि पिछली बार के मुकाबले इस बार पीपी चौधरी का वोट शेयर काफ़ी गिरा है, लेकिन इन सब के बावजूद पीपी चौधरी की जीत है जो 2,45,000 मतों से हुई है, तो कह सकते हैं पाली में पीपी चौधरी और बीजेपी ने जो है अपना बरकरार रखा और जो परिणाम आए हैं वो बीजेपी के पक्ष में आए हैं। अब आखिर में बात कर लेते हैं पश्चिम राजस्थान में जोधपुर की। जोधपुर लोकसभा सीट वो थी जहाँ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने कांग्रेस के प्रत्याशी करण सिंह उचियाड़ा थे, और उचियाड़ा की अगर बात की जाए जिस तरह से करण सिंह उचियाड़ा नए चेहरे थे कांग्रेस के, कोई बड़ा लीडर यहाँ उनके सभा में जोधपुर में मीटिंग करने नहीं आया था, लेकिन जिस तरह से फलोदी और जिस फलोदी से जुड़े हुए इलाके थे वहाँ राहुल गांधी की मीटिंग हुई थी, और राहुल गांधी की मीटिंग के कारण से अगर कह सकते हैं फलोदी में लगातार जो है जो करण सिंह उचियाड़ा है बड़े मतों से बढ़ते नज़र आ रहे थे, लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह से जो परिणाम आए हैं जोधपुर लोकसभा सीट को लेकर, 8 विधानसभा में 6 विधानसभा पर जो है गजेंद्र सिंह शेखावत आगे रहे थे। जोधपुर शहर की अगर बात कर ली जाए, सरदारपुरा की बात कर ली जाए और सुरसागर, तीनों विधानसभा जो जोधपुर शहर में आती है, यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सीट है सरदारपुरा, वहाँ पर भी गजेंद्र सिंह बढ़त लिए हुए थे। उसका कारण ये बताया जाता है कि जिस तरह से जो है कांग्रेस छोड़कर जो बीजेपी में शामिल हुए थे हनुमान सिंह खांगटा हो, पूर्व महापौर रामेश्वर दादिच हो, अन्य जो कांग्रेस के नेता जो यहाँ बीजेपी ज्वाइन की थी उसका असर भी देखने को मिल गया था, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो बीजेपी के दिग्गज योगी आदित्यनाथ यहाँ आए थे, कंगना रनौत यहाँ आई थी, अमित शाह यहाँ आए थे, उनकी बड़ी सभाएँ हुई थी, उनकी मीटिंग हुई थी, मुख्यमंत्री लगातार आए थे, उन सब का परिणाम कह सकते हैं कि तीसरी बार जो है गजेंद्र सिंह शेखावत को 1 लाख से ज़्यादा मतों से जीत मिली है। हालांकि पूर्व में जो रिकॉर्ड थे जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम के, वो रिकॉर्ड टूटे हैं, और ये कारण यही है बताया जा रहा है कि जिस तरह से जनता ये कह रही है कि सेंट्रल की जो केंद्र की सरकार की जो नीतियाँ थी ओपीएस को लेकर से अगर बात कर ली जाए, पोस्टल बैलेट में जिस तरह से मतदान हुए थे उसमें भी यही कारण देखने को आया। जब हमने सरकारी कर्मचारियों से बातचीत की उन्होंने बताया कि ओपीएस को लेकर सरकारी कर्मचारियों की नाराज़गी देखने को मिल रही थी, वहीं अगर बात कर ली जाए तो अग्निवीर योजना को लेकर भी युवा काफ़ी नाराज दिखाई दिए थे, और यही कारण है कि जो बीजेपी का वोट प्रतिशत गिरा है, चाहे बात अगर पाली की जाए चाहे जोधपुर की जाए, तो अगर यहाँ पर अगर जो बाड़मेर की भी, तो वोट प्रतिशत गिरने का कारण ये है कि कुछ ऐसे वादे थे जिनको लेकर बीजेपी संतुष्ट नहीं कर पाई थी। कांग्रेस ने जिस तरह से मैनिफेस्टो को लेकर और संविधान बचाने की जो दलीलें दी थी कि अगर 400 के बाहर का जो नारा दिया गया अगर बीजेपी वापस आ जाती है तो संविधान को ख़त्म कर देंगे, तो कहीं ना कहीं वोटर के दिल में ये भी एक आशंका बनी थी। यही कारण है कि जो
वोट प्रतिशत पश्चिमी राजस्थान में गिरा है और ये आने वाले दिनों में जिस तरह से बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एनालिसिस करेगी कि क्या कारण रहा, लेकिन ज़्यादा तौर पर ये कह सकते हैं कि जिस तरह से वोट प्रतिशत गिरा है उसका कारण है जो कह सकते हैं कि जो केंद्र की दावे जो थे और कांग्रेस की जो संविधान को लेकर कही गई बातें थी, इन दोनों के बीच में जो जनता है उन्होंने जिस तरह से मिश्रित जनादेश दिया, तो कह सकते हैं पश्चिम राजस्थान में पाली, जालोर, सिरोही और जोधपुर यहाँ पर तो बीजेपी को जिताया है। वहीं बाड़मेर की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल को जीत हासिल करवा कर अब संसद में भेजा है। देखना है अब ये अपने अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि किस तरह से विकास कर पाते हैं, लेकिन कह सकते हैं मिश्रित जनादेश से लोगों को अब कह सकते हैं जो 25 का जो दावा था बीजेपी का वो खंडित हो चुका है और प्रदेश में जिस तरह से 11 सीटों पर बीजेपी और इंडिया अलायंस का जो है वर्चस्व देखने को मिल रहा है, आने वाले दिनों में देखना होगा प्रदेश की राजनीति किस ओर जाती है। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आ चुका है, क्या कारण रहा राजस्थान में जो तीसरी बार हैट्रिक करने की बात बीजेपी कर रही थी लेकिन इस बार हैट्रिक नहीं हुई है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम जानते हैं किस तरह से जो है इस बार हैट्रिक नहीं हुई, क्या कारण रहा मतदान जो है कम हुआ है, प्रतिशत गिरा है, क्या कारण मानते हैं आप इस बार? एक्चुअली क्या है कि इस देश के अंदर बेरोजगारी और महंगाई से काफ़ी लोग त्रस्त है और जो इन्होंने नारा लगाया था कि 400 पार, तो लोगों ने कहा कि ये तो 400 पार अपने आप जीत जाएंगे, तो इस कारण से लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिए। और दूसरी बात, एक आपको महत्वपूर्ण बात कहूँगा कि जो व्यक्ति हो, दो व्यक्ति के ऊपर आज डिपेंड हो गए हैं आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, जो एक तो नीतीश कुमार और एक चंद्रबाबू नायडू पे। नीतीश कुमार को इन्होंने आज से कुछ साल पहले ही कहा था कि नीतीश की DNA ख़राब है, तो क्या आज DNA उनका सत्य हो गया कि आज उनके भरोसे सरकार बनाने के लिए कवायद हो रही है? एक ये बात है। दूसरी बात है, जितना चरम सीमा पर ये महंगाई बढ़ी है, हर आदमी के हर व्यक्ति के जेब से पैसा ऐसा निकल रहा है, जो 70,000 भी कमा रहा है उसके गृहिणी से पूछो बाद में कोई बचत नहीं हो रहा है, क्या पता कहाँ पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसे जा रहा है, किसी को कोई पता नहीं है। हम इस प्रोफेशन में है, वकालत प्रोफेशन में, यहाँ पे हर वकीलों की आमदनी आप पूछ लीजिए, जो जितना आमदनी होती है क्या वो बचा पाते हैं या अपने बच्चों को परवरिश कर पाते हैं उस लायक? तो इस कारण से हमारे जो भारत की जनता है, लोकल जनता भी है और भी जनता है, इस कारण से नाराज है, इस कारण से वोटिंग कम हुई और यही स्थिति चलता रहा तो ये कांग्रेस को मिटाने चले थे, ये खुद मिट जाएंगे। क्या मानते आप, क्या कारण रहा कम प्रतिशत या तीसरी बार गजेंद्र सिंह शेखावत ने हैट्रिक लगा दी? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि देखो कम प्रतिशत तो बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिशत बढ़ाया, सीटें नहीं आई, इसका कारण ये रह सकता है कि देखिए कि कुछ ये रहा कि हमने जो टिकट वितरण किए थे वो टिकट वितरण जो था उसमें जो हमारे जो कार्यकर्ताओं ने फीडबैक दिया था उसके आधार पर नहीं हुआ और वो आधार पर नहीं हुआ। और ये कारण ये था कि कुछ जनता जो है, जैसे ये कुछ बोलते हैं कि महंगाई बढ़ी, वो बढ़ी, सब चीज़ें बढ़ी, आप सब चीज़ें मान रहे हो, मगर हम लोग ये मानते हैं कि महंगाई बढ़ी तो साथ साथ ये आय भी तो बढ़ी है, लोगों की आय बढ़ी है, 7वां वेतन आयोग लोगों को प्राप्त हुआ है, तो लोगों की आय बढ़ी है तो महंगाई बढ़ेगी, नेचुरल बात है। दूसरी बात है, जैसे प्रकार से किसान आंदोलन हुआ, ये ना आप ये मानते हो कि किसान आंदोलन के कारण भी थोड़ा प्रभाव पड़ा, ये अग्निवीर थी उसके कारण प्रभाव पड़ा, कुछ जो निर्णय लिए वो निर्णय थोड़े से अलग थे, मगर मैं ये मानता हूँ कि जो टिकट वितरण था और कुछ जो जातिवाद फैक्टर था, एक खान मार्केट गैंग ने एक नैरेटिव चलाया, जो नैरेटिव जाते जाते लोगों में ये मैसेज कर गया कि आरक्षण हटा रहे हैं। अब आरक्षण हटाना ये किसी के संभव नहीं है, आरक्षण कौन हटा सकता है, आरक्षण की रक्षा करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने बोला कि आरक्षण की रक्षा करेंगे, नेचुरल आरक्षण करेंगे। अब मैं मानता हूँ कि जो लोकसभा में जाता है वो कानून का निर्माण करता है। राहुल गांधी जी संविधान लेकर खड़े थे कि संविधान मिटाने चले, अरे संविधान कौन मिटा रहा है, लोकसभा का जो सांसद बनेगा वो संविधान का निर्माण करेगा, संविधान में नए नए कानून बनेंगे और जैसे नए नए कानून लेके आए उस कानून से लोगों को फायदा हो रहा था। मैं ये मान रहा हूँ कि नीतीश कुमार साथ रहेंगे, नीतीश कुमार के ऊपर किसी प्रकार का लांछन नहीं है, नीतीश कुमार के ऊपर किसी पर तो पलटू राम की उपाधि दी है आपकी बीजेपी पार्टी, ये कह रही थी पलटू राम की उपाधि जरूर दी है, मगर मैं ये मानता हूँ कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तभी नीतीश जी हमारे हिस्सा थे और आने वाले समय में नीतीश जी हिस्सा रहेंगे, तेलुगु देशम पार्टी भी हमारे साथ है और निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक शासन करेगी और इसके आने वाले समय में वापस पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनेगी। ये लोग ये कह रहे हैं, क्या कहेंगे, आपका क्या राय? घमंड राजा रावण का भी नहीं रहा है, लोगों को ये मालूम पड़ा कि ये तो घमंडी हो गया है और पब्लिक सेक्टर सारे खत्म कर दिए। एक समय था जब
नीतीश कुमार ने ये कहा था कि मर जाऊंगा फिर बीजेपी में नहीं जाऊंगा, और शाह ने ये कहा था कि मैं मर जाऊंगा फिर इसको बीजेपी में नहीं लूंगा। ये क्या हो रहा है देश में? लोगों को ये मालूम पड़ा कि प्रजातंत्र खतरे में हो गया, ये तो तनासा हो गया। ये ईडी का आज वो फिर से छोड़ रहा है, केस चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, करोड़ों रुपए उसमें बकाया है, घोटालेबाज हैं, वहाँ ईडी पीछे लगे दिए। और जैसे ही वो उस पार्टी में चला गया सारे केस खत्म, ये तानाशाह हो गया था। लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि तानाशाह, बाकी जातिवाद तो चलते ही है, टिकट का देना है, वो देना है, ये चार सौ पार। अब की बार मोदी सरकार का इसने ये कहा कि बीजेपी को वोट दो, क्या बीजेपी थम्पिंग मेजोरिटी में आई है? 240 सीटें आई होगी बीजेपी की, हैं? ये तो खुद ही रहेगा, उसको दो, उसको दो, उसको दो। कुछ और लोग हैं जिनसे जानते थे, किस तरह से मानते इस बार जो चुनाव परिणाम जो आए पश्चिमी राजस्थान की, अगर विशेष तौर से बात करें अपन लोग जोधपुर लोकसभा में? इसमें नौकरियां भी नहीं दी मोदी ने, और महंगाई बेरोजगार भी, यही भी मुख्य कारण रहा था। क्या लगता है आपको कि इस बार जो चुनाव परिणाम आया, क्या सोचते हैं आप लोग? यही है कि टिकट वितरण में सही नहीं किया, टिकट वितरण पार्टी ने, और ग्राउंड लेवल पर सही मेजरमेंट करके टिकट नहीं दिया। अगर ग्राउंड लेवल पर टिकट वितरण करते तो ये नौबत नहीं आती। और जहाँ तक मेरा सवाल है, पीएम तो नरेंद्र मोदी बनेंगे, कितने मुद्दे सॉल्व कर दिए, 500 साल पुराना मुद्दा था राम मंदिर का, वो सॉल्व कर दिया। कांग्रेस ने जातिगत समीकरण लेके वोट डाल दिए, जाटों का डोटासरा ने एक तरफा करके जातिगत समीकरण साथ के पूरा झुंझुनू सिक्कर साइड का पूरा बेल्ट वोट एक साइड का कर दिया। क्या लगता है आपको इस बार जो ये चुनाव में उलट फेर दिखाई दे रहा है? एक्चुअली क्या है कि बीजेपी लोगों को समझा नहीं पाई कि हमें वोट देना चाहिए, और दूसरी पार्टियां जो कांग्रेस है वगैरह, उन्होंने थोड़ा दुरुत राजनीति करते हुए कहा कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, और इस प्रकार से इस देश में भ्रांति फैलाई गई। उस भ्रांति का निश्चित रूप से उनको फायदा हुआ, और उसका परिणाम ये हमें देखने को मिला, ठीक है। और निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनेगी, और पूरे देश में वापस से तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, हो सकता है, परंतु कहने का मतलब है थोड़ा उनको कहने का मतलब सोचने की आवश्यकता है। और अब मैं सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय यह रहा कि अयोध्या जैसा स्थान जहाँ पर भगवान राम का मंदिर बना, और उसी स्थान पर भी सपा जीत रही है, तो वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को ये विषय सोचना चाहिए। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, क्या मुद्दे रहे? कोई बेरोजगारी महंगाई कह रहा है, कोई राम मंदिर कह रहा है, कोई 400 पार, कोई अमित शाह और मोदी को लेकर। लेकिन कह सकते हैं जिस तरह के परिणाम आए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। अब सरकार किसकी बनेगी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन जनता अपनी तरफ से मत देकर बता दिया है कि जो तीसरी बार बनाने के दावा कर रहा था वो राजस्थान में नहीं चला है, और देश में भी जिस तरह से जो दावे किए जा रहे थे उस पर जनता ने मोहर नहीं लगाई है। अरुण हर्ष, NDTV जोधपुर।